ईरान और अमेरिका के बीच जारी विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ईरानी नेता अहमद खातमी ने बुधवार को तेहरान में ईद के मौके पर जमा हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसराइल को अपना निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ खातमी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ईरानी नेताओं के साथ सीधी बातचीत की पेशकश की थी, उस पर ईरान तैयार नहीं है। अहमद खातमी ने कहा कि अमेरिकियों का कहना है कि बातचीत में हम जो कहेंगे उसे स्वीकार करना होगा, तो यह बातचीत कहां से हुई, ये तो तानाशाही है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि ईरान इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा होगा। आपको बता दें कि परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका अब ईरान पर नई शर्तों के साथ परमाणु समझौता करने का दबाव डाल रहा है। साथ ही हाल ही के दिनों में अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाने का फैसला भी किया है।